हेलो दोस्तों, यह है एक बैटरी चार्जर जो कि 24 वोल्ट और 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो चार्जर है वही हम लोग इससे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को चार्ज कर सकते हैं। जब 12 वोल्ट चार्ज करेंगे तब हमको 6 एम्पेयर मिलेगा और जब हम लोग 24 को चार्ज करेंगे तब हमको 3 एम्पेयर मिलेगा, मतलब हाफ हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो चार्जर है बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए, आप लिथियम बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, लेड एसिड बैटरी जैसा नॉर्मल हमारा जो कार बैटरी होता है वही, और बाइक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कोई बैटरी अंडर वोल्टेज है, मतलब बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, इसको आप रिपेयर मोड पर लगा के आराम से चार्ज करके बैटरी को सही कर सकते हो। इसके बाद ये विंटर और समर मोड के लिए भी ऑटोमेटिकली ये चार्ज करता है, अपने हिसाब से ये वोल्टेज रेगुलेट करता है समर और विंटर के हिसाब से। देखिए दोस्तों, इसमें MCU कंट्रोल है जो कि एक ऑटोमेटिक चार्जिंग को कंट्रोल करता है, और टेम्परेचर का मतलब ये अगर चार्जर ज़्यादा गर्म हो गया तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और इसमें एक फ़ैन भी है इसको ठंडा रखने के लिए। और देखिए, इसमें सेवन स्टेज का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल मिलता है, मतलब ये जो है ये 7 स्टेज पे सेंस करके बैटरी को चार्ज करता है, जो कि मैंने दूसरा किसी चार्जर पर नहीं देखा इस टेक्नोलॉजी को। तो इसमें इतना ही है। और इसमें आप मतलब कोई भी बैटरी 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के अंदर कोई भी बैटरी को इसमें चार्ज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इधर दिखा हुआ है कार, इसके बाद है ये जो हम लोग वैन बोलते हैं वैन, ये हो गया स्पीड बोट, ये हो गया हमारा जो बड़ा वाला लॉरी है, और ये वाला बाइक। तो देखते हैं इसके अंदर का जो चार्जर है वही। इसके सामने ज़्यादा खास कुछ नहीं है, और इसका MRP देखिए दोस्तों 4033 है, और मेरे को पड़ा देखिए ये 2948 मेरे को पड़ा, मतलब करीबन 3000 रुपीज़। और अभी अमेजोन पे इसका प्राइस थोड़ा कम है, अभी ये आपको मिल जाएगा 2500 के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा डील होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा चार्जर जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही सुंदर है। तो इसको, यह है पॉजिटिव टर्मिनल और यह है नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी से कनेक्ट करके हम लोग चार्ज करेंगे। और यह है इधर ब्रांडिंग, और ये जो मोड लिखा हुआ है दोस्तों, इधर से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे लिथियम बैटरी के लिए, लीड एसिड बैटरी के लिए, ली फॉस्फेट बैटरी के लिए, और रिपेयर मोड के लिए हम लोग अलग अलग से ये ऑपरेट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। देखिए इधर पीछे इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है 7 स्टेज स्मार्ट बैटरी चार्जर, और इसके इनपुट वोल्टेज है 100 से 240 वोल्ट्स, और हर्ट्स 50 से 60 हर्ट्स, जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड हर्ट्स होता है वो है 50 हर्ट्स। और देखिए ये 110 वाट ये लेता है जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। और इधर कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और कुछ खास नहीं है। और देखिए इसका पीछे जो इसका फैन है वो है, तो चलिए इसको देख लेते हैं चला के। ये है हमारा एसी कॉर्ड जो पावर पैक चला जाएगा बिजली पे, और ये करीबन दोस्तों लंबा है, इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं है कि ये करीबन आप मान सकते हो कि 1.2 मीटर या 1.5 मीटर होगा। और ये बैटरी चार्जिंग के लिए जो वायर दिया है ये भी 1 मीटर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जितना है बहुत ही है, क्योंकि इसको तो हमको एक्सटेंड नहीं करना। देखिए इस पर लाइन देते ही इसका जो है वो आ गया, ये बैटरी नहीं लगा हुआ है, ये डिटेक्ट भी कर लिया। और देखिए इसे मूड से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो ब्लू लाइट है ये है जहाँ पे जिस मोड पे सिलेक्ट होगा उसी मोड पे ये जो लाइट है वो जलेगा, ब्लू लाइट। देखिए ये चेंज हो जाएगा। ये है रिपेयर मोड, ये है लिथियम मोड, ये है हम लोग जो नॉर्मल लीड एसिड बैटरी हो गया, जैसे कार में या बाइक में आता जो एसिड से हम लोग चलते हैं वही बैटरी लीड एसिड है। और ये है थोड़ा हाईटेक बैटरी के लिए ली फॉस्फेट। आपको कुछ नहीं करना, आपको लीड एसिड पे या फिर लिथियम पे, लीड एसिड पे आप छोड़ के आप लोग जो ऐसा बैटरी है या फिर बड़ा वाला कार बैटरी है, कुछ भी, मतलब आपको 12 से 24 वोल्ट में कुछ भी लगा दीजिए, ये चार्ज कर देगा। देखिए मैंने लगा दिया, लेकिन ये जो है ये फुल डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बैटरी जो है ये फुल चार्ज है,
तो ये लगाते ही फुल डिटेक्ट कर लिया। तो हम लोग दूसरा बैटरी ट्राई करके देखते हैं कि दूसरा बैटरी को क्या दिखाता है। दोस्तों ये भी एक 12 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको भी हम लोग लगा के देख लेते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है। दोस्तों आपको पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान पे रख के लगाना है। देखिए दोस्तों ये भी फुल दिखा रहा है, तो मैं इसको मोड चेंज पे दे दिया तो लिफोस्पेट पे भी फुल दिखा रहा है। और रिपेयर में दोस्तों क्या होता है, देखिए ये चार्ज ले रहा है। रिपेयर मोड में ऐसा है कि आपका अगर बैटरी फुल भी होता है तब भी ये जो चार्जर है इसको बैटरी को चार्ज करेगा। देखिए इधर ये चार्ज हो रहा है और परसेंटेज भी दिखा रहा है, और इधर रिपेयर मोड भी ऑन है इसलिए रिपेयर मोड भी ब्लिंक हो रहा है और इसका फैन भी चल रहा है। जब बैटरी चार्ज होगा तभी इसका जो फैन है वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देखिए ये मैं खोल लिया, खोलते साथ ही साथ इसका जो फैन है ये भी बंद हो गया। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसका फैन कामों का नहीं चलेगा। तो एक बार मैं बैटरी चार्ज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं एक बड़ा वाला बैटरी लेके आ गया जो कार बैटरी है, तो इसको हम लोग देखिए ये ऑन है मतलब प्लग इन है, लेकिन इसमें बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी का कनेक्शन अभी तक मैंने नहीं किया। तो देखिए मैं नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया और पॉजिटिव पे पॉजिटिव भी लगा दिया, और अभी ये लगाते लगाते साथ ही इसने 12 वोल्ट भी डिटेक्ट कर लिया। देखिए इधर 12 वोल्ट डिटेक्ट कर लिया और चार्ज भी ये हो रहा है, वो मोड है जो लीड एसिड का मोड है वही। तो इसका फैन भी अभी अच्छे से घूम रहा है क्योंकि अभी चार्ज कर रहा है बैटरी को। देखिए ये फैन ऑफ हो जाएगा मैंने बैटरी से खोलते साथ ही साथ, देखिए मैंने ये खोल दिया ये फैन ऑफ हो गया, और जब लगाता हूँ ये शुरू हो गया। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये बैटरी को फुल करते साथ ही साथ ये जो चार्जिंग है ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है और इसका फैन भी ऑफ हो जाता है। तो इसका ये बढ़िया सिस्टम है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक करता है। बैटरी 12 वोल्ट का हो या 24 वोल्ट का हो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान पर रख के कनेक्शन कर दीजिए और आपका जो चार्जिंग है वो शुरू हो जाएगा। कोई भी बैटरी हो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से चार्ज कर देता है। और दोस्तों ये जो चार्जर है ये सबसे स्पेशल जो फीचर है वो है ये विंटर और समर में ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है इसका मोड टेम्परेचर के द्वारा। तो विंटर में ये थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि बैटरी विंटर में थोड़ा बैठ जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा चार्ज करेगा विंटर में और समर में थोड़ा कम करेगा। इसका ये बढ़िया फीचर है जो कि असली में काम करता है। जब आप चार्ज करोगे तो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा और इसका एम्पेयर कितना दे रहा है चार्जिंग के टाइम वो भी दिखाता है, और टेम्परेचर भी इसमें ही दिखा देता है। सब इस डिस्प्ले में इन्फो डिस्प्ले में सब कुछ धीरे धीरे शो करता रहता है। देखिए ये समर और विंटर मोड, ये बढ़िया है इस चार्जर का। तो इतना ही था इस वीडियो में और मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।